हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल एपी पी ट्यूटर्स में और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के सीरीज़ का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर वन इस सीरीज़ में, में मेरी कोशिश होगी कि क्लास एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली डिस्कस करना इरिस्पेक्टिव ऑफ चैप्टर क्योंकि चैप्टर में क्या होता है कि एक बार में पूरे के पूरे चैप्टर को इलेबोरेट करना होता है और उस कंडीशन में सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि हम चैप्टर के फ्लो में मेन टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं तो मेरा टारगेट ये है कि हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्पेसिफिकली वो आपको वन बाय वन अलग अलग वीडियो में करवाना तो आइए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्लास एलेवेंथ का एक चैप्टर है मेजरमेंट एंड डायमेंशन वाला सेक्शन यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन वाला सेक्शन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक यूज uh, या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि वो कितने अप्लीकेशन हैं एंड उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि डायमेंशन अगर आप लोग जानते हैं विच इज़ द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स तो जो यूनिट का पावर होता है दैट इज डायमेंशन उनके यूजेस क्या क्या हैं तो मेन यूजेस पांच हैं जिसमें से तीन यूजेस एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं या फिर एक ही प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटी पे बेस्ड है दैट्स हम इसमें जब इसका करने की कोशिश करेंगे या इनके ऊपर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे तो हम सिर्फ तीन टाइप की कैटेगरी बनाएंगे बट ओवरऑल फाइव फाइवेशन नंबर वन फाइंडिंग यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट अगर आपको कोई सिस्टम ऑफ यूनिट पता हो बट उस फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट यूनिट नहीं पता हो तो फिजिकल <coughs> या फिर डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप उसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं दिस इज द फर्स्ट यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस नंबर टू फाइंडिंग डायमेंशनस ऑफ अ फिजिकल कॉन्सटेंट और कॉफिशियंट आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके किसी भी फिजिकल कॉन्स्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप एक फॉर्मूला जानते हो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू पॉन आर स्क्वायर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फार्मूला इसमें अगर आपको G का डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके आप G का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो इस तरह से हमारा यूजेज या एप्लीकेशन नंबर थ्री है कन्वर्टिंग अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम लाइक मान लो आपके पास किलोमीटर पर आर एम सिस्टम या फिर ये एक्चुअली एक अलग सिस्टम हो गया किलोमीटर पर आर में हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आर में है ये कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि हम जो कॉमन चार सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं उसमें किलोमीटर और किलोग्राम ये सब नहीं आता है तो सिचुएशन हमारे सामने क्या है कि अगर आपको वन किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में तो आप वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हो आप डायरेक्टली भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो फाइव पॉइंट एटीन से मल्टीप्लाई करके और एक दूसरा तरीका है कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस फिजिकल कॉन्स्टेंट को या क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर पाओगे कैसे करेंगे ये हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं फिलहाल बस बेसिक समझ लेते हैं और नंबर फिफ्थ हमारा यूज है नंबर सॉरी फोर्थ चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन या फिजिकल रिलेशन अब कई सारे फिजिकल फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं लाइक अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ऐसा इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर ये इक्वेशन सही है या गलत अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप डायमेंशनल तरीके से भी इसे चेक कर सकते हैं कैसे चेक करेंगे ये हम अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो बस बने रहिए है और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा है डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन का कि हम न्यू डेरिवेशन यानी न्यू रूल्स बना सकते हैं नया फार्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सारे कॉम्पोनेंट्स के साथ क्या रिलेशन है अगर ये आपको पहले से पता हो तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं तो हमारे सामने जो ये तीन नीचे वाले तीन अप्लीकेशन हैं इन तीनों के ऊपर बेस मैं आपको नुमरिकल करवाऊंगा क्योंकि पहला दोनों थर्ड वाले से रिलेटेड है That's why उसको सेपरेटली करवाने का कोई फायदा नहीं है तो हम थ्री फोर्थ और फिफ्थ जो अपलिकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इससे आपका अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो अगर आप अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को ठीक से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए और वन बाय वन हर एक एग्जाम्पल को देखने की कोशिश कीजिए कुछ एग्जाम्पल आपको बहुत ईजी लगेंगे कुछ उतने ईजी नहीं भी होंगे ठीक है कुछ क्वेश्चन सिंपल NCERT का है कुछ एससी वर्मा के भी मैंने इसमें डाले हैं तो क्वेश्चन के अलग अलग लेवल्स हैं आप बस वीडियो में बने करना हो कि कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या नहीं वो भी डायमेंशनल मैथड से तो कैसे करेंगे तो करते हमारा फर्स्ट फिजिकल रिलेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए ओके अब v इक्वल टू यू प्लस ए आप जानते हो इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वल टू यू प्लस ए टी इज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है नाउ डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे किसी भी फिजिकल रिलेशन को सही है या गलत है ये चेक करने का मेन तरीका ये होता है कि आप एल एच एस वाले का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करोगे और आरएचएस वाले का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करोगे और अगर दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आ जाए मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है

ये टाइम से ये टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा अब यहां पे एस एस को डायमेंशनली क्या लिखते हैं एस फॉर डिस्टेंस और डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं एल डायमेंशन में डिस्टेंस को लेंथ यानी एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइड भी एस है इसको हम एल लिखेंगे और नीचे वाले टाइम को टी लिखेंगे और प्लस टी से टी कैंसिल हो गया तो बचा से वी और वी का फॉर्मूला हमने भी जस्ट लिखा है एल अपॉन टी होता है अगर सबको हम सही पैटर्न में अरेंज कर दें तो इसको हम एल टी माइनस वन लिख सकते हैं इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते समय याद रखिएगा ये प्लस अगर सिंबल गिवन हो तो आप ऐड नहीं करेंगे और अगर माइनस सिंबल बीच में हो तो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे आपको देखना क्या है कि ये वाला टर्म इसके भी इक्वल होना चाहिए और यही वाला टर्म इसके भी इक्वल होना चाहिए और इस केस में आप देख रहे हो तीनों ही टर्म आपस में इक्वल है तीनों का वैल्यू एलटी माइनस वन एल्टी माइनस वन एल्टी माइनस वन आ रहा है तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं वीवल टू यू प्लस ए टी डायमेंशनली करेक्ट है हमने एक कर लिया अब इसी तरीके से दूसरा भी करने की कोशिश करते हैं आपको बस पैटर्न से फॉलो करना है अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ने यह वाला टॉपिक पहले कर रखा है तो इजीली समझ में आ गया होगा बट जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है वो बस परसिस्टेंस के साथ कनेक्टेड रहेंगे वीडियो में मैं दूसरा और तीसरा समझाऊंगा और समझाते समझाते जब मैं तीसरे तक पहुंचूंगा यकीन मानिए आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा अब मैं आ जाता हूं अगले पोर्शन में उससे पहले हम इसे रेज कर लेते हैं देखिए जब भी डायमेंशनल एनालिसिस का अपलीकेशन आपको करना होगा तो मे बी ये एग्जाम में डायरेक्ट इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ना आए बट होता यह है कि एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड अप्लीकेशन पूरे के पूरे फिजिक्स में यूज होते हैं दैट्स वाई डायमेंशन को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये डायरेक्टली अगर अप्लाई ना भी होता हो डायरेक्टली यूज ना भी होता हो एग्जाम में क्वेश्चन आस्किंग के लिए फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे ये धीरे धीरे जैसे हमारी फिजिक्स कंप्लीट होती जाएगी आपको ये समझ में आ जाएगा आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट करते हैं च इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें इसे भी डायमेंशनली सही प्रूफ करना है हमारा इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अब एस फॉर यहां पे क्या होता है डिस्टेंस और ये इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस फॉर डिस्टेंस डिस्टेंस का डायमेंशन एल होता है यू का पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं एल टी माइनस वन होता है डायमेंशन और T का डायमेंशन क्या होता है सीधा कैपिटल प्लस हाफ एक्सेलेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू होता है और इन टू टी स्क्वायर है तो उसका डायमेंशन टी टू दी पार टू होगा अगर अब अगर आप ध्यान से देखो तो टी टू दी पार प्लस वन टी टू दी पार माइनस वन को काट देगा तो यहां पे एल इक्वल टू क्या बचा सिर्फ एल प्लस आपको याद रखना है कि इन कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल एनालिसिस में कोई यूज नहीं जो हाफ आपको दिख रहा है इसका कोई यूज नहीं तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं और टी टू दी पार माइनस वन टी टू दी पार प्लस वन प्लस सॉरी टी टू दी पार माइनस टू टी टू दी पार प्लस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमारा एल तो आप गौर से देखिए यहां भी एल यहां भी एल यहां भी एल इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है और वैसे भी आप जानते हो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर होता है तो इक्वेशन तो ये सही है ही यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि ये सही क्यों है क्लियर है नाउ अब अगले वाले सेक्शन पे हम आ जाएंगे विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आ रहा होगा बस आपको डायमेंशनल फार्मूलाज याद रखने हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी का लाइक like डिस्टेंस का एल टाइम का टी एक्सलेशन का एल टी माइनस टू वेलासिटी का एल टी माइनस वन इस तरह से अगर आपको सारे डायमेंशनल फार्मूलाज याद रहते हैं अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर बेस्ड भी कुछ वीडियोज बनाएंगे ठीक है तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डायमेंशनल फार्मूला को इलेबोरेट करता हुआ एक वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी बनाऊंगा अब हमारा थर्ड जो यहाँ पे प्रूफ करने वाला टॉपिक है वो है एफ इक्वल टू एम इन टू ए आप जानते हो ये फोर्स का फॉर्मूला है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन के तीन लॉ आपने पढ़ा होगा जिसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स और उससे हमारा फॉर्मूला बना था एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए अब अगर हमें ये प्रूफ करना है कि एफ इजिक्वल टू एम इन टू ए होता है तो कैसे करेंगे अब एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए होता है एम एल टी माइनस टू डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज का और अगर आप चाहते हैं मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मैं बनाऊंगा जरूर आपके डिमांड पे ऑब्वियसली नाउ अब एम एल टी माइनस टू एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम को डायमेंशनली क्या लिखते हैं एम और ए को क्या लिखते हैं एल टी माइनस टू अगर इसको मिला दें तो ये भी क्या बन जाएगा एम एल टी माइनस टू और इस साइड भी क्या था एम एल टी माइनस टू तो आप देख लीजिए ये इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट थे कैसे करेक्ट किया आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे अगर आप में से किसी को डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है तो मे भी आपको यूज़ करने में दिक्कत हो बट अगर आप कोशिश करोगे तो डायमेंशनल फार्मूला याद हो जाएगा आपको 40 से 50 डायमेंशनल फार्मूला हर समय याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे जो सेम टॉपिक पे बेस्ड है हमें यहां पे कहा गया यह ऐसी बरमा का क्वेश्चन है टेस्ट डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला टी इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एम अपॉन एफ अपॉन एक्स ये कह रहा है कि ये करेक्ट है वेदर टी टाइम पीरियड है एम मास है एफ फोर्स है एंड एक्स डिस्टेंस है हमारे सामने रिलेशन क्या गिवेन है देख लीजिए हमारा रिलेशन है टी इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एम अपॉन एफ अपॉन एक्स हमें ये डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करना है और इसमें से हर एक चीज के बारे में बताया गया है कि यहां पे टी टाइम पीरियड है एम मास है एफ फोर्स है और एक्स डिस्टेंस है टू पाई यहां पे हमारा कांस्टेंट है आप लोगों को हर बार ये याद रखना है कि जब भी हमारे सामने कोई कांस्टेंट आए तो डायमेंशन में उसका कोई यूज नहीं होता अब टी फॉर टाइम पीरियड टाइम कोई सा भी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है ठीक है टू पाई को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है मास का डायमेंशनल फार्मूला एम होता है और एफ का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू होता है और ये जो इसके नीचे एम है वो कहाँ आ जाएगा यहां पे ऊपर में ठीक है तो इसके कारण ओवरऑल क्या हो जाएगा एम इन टू एम एम स्क्वायर यानी एम टू दू अपॉन एम एल टी माइनस टू अब अगर गौर से देखिए तो ये एम ऊपर जाएगा तो एम टू दार माइनस वन हो जाएगा होगा एक मिनट एक मिनट तो वो एम स्क्वायर हो गया और ये एफ है चलिए कोई बात नहीं तो इक्वल टू ओवरऑल हमारे सामने क्वेश्चन में क्या कुछ मिस है हमारे सामने रूट अंडर एम अपॉन एफ अपॉन एक्स था यहाँ पे एक चीज़ मिस हो रहा है क्वेश्चन में शायद कोई प्रिंटिंग एरर हो क्योंकि यहाँ सिचुएशन ये आ रहा है कि मैं इससे इसका स्क्वायर सिर्फ काट सकता हूँ एल को काटने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं तो सिचुएशन क्या बचेगा हम इसको लिख पाएंगे एम एल माइनस वन टी स्क्वायर तो ये हमारा जो एम एल माइनस वन है वो एक सेपरेट बच रहा है खैर तो इस केस में यहां पे आपको एक इक्वेशन देखने को मिल रहा है तो इसमें ओवरऑल oh, हम टी से बाहर रूट से बाहर किसको ला सकते हैं टी स्क्वायर को तो हम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ये चलिए इस चीज को ठीक से फिट कर लेते हैं देखिए हमारे सामने टीज इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एम अपॉन एफ अपॉन एम था एम का डायमेंशन हमने डाला इन टू एम डाला यहां पर एम एल टी माइनस टू डाला ऑब्वियसली ये एम स्क्वायर अपॉन एमएलटी माइनस टू हो गया एम से एम का स्क्वायर कट गया तो एम एल माइनस वन टी स्क्वायर हो गया इसमें से टी स्क्वायर को रूट के बाहर ला सकते हैं तो ये टी हो जाएगा और रूट अंडर एम एल माइनस वन हो जाएगा और इस साइड हमारा टी था तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है समझ में आ गया तो इस इक्वेशन में हमारा इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो हर बार डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट नहीं होना चाहिए जैसे इस वाले सिचुएशन में हमारा क्या आ रहा था एम एल टी माइनस टू इक्वल टू एम एल टी माइनस टू इससे पहले वाले इक्वेशन में क्या आया था एल इज इक्वल टू एल बट इसमें क्या हो रहा है टी इज इक्वल टू सिर्फ टी नहीं आ रहा और भी चीजें आ रही हैं मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नहीं है तो आई होप आप लोग दोनों ही टाइप के सिचुएशन को समझ गए हैं जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट होता है और जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता है अब हम लोग दूसर, दूसरा यूज स्टार्ट करते हैं कन्वर्टिंग अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज है जब आपको किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़े और यह बहुत इजी है आइए सो करने की कोशिश करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है वन न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है कितना डाइन होता है यह हमसे पूछा जा रहा है ठीक है वन न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन सॉल्व करते हैं न्यूटन हमारा किस चीज में है एसआई SI यूनिट में और डाइन किस चीज में है सीजीएस यूनिट में यह आपको पता होना चाहिए पहले से नाउ अब जब भी वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है एन टू इज इक्वल टू एन वन ब्रैकेट में यहां पे यूज करना है एम वन अपॉन एम टू टू दी पावर ए एल वन अपॉन एल टू एल वन अपॉन एल टू टू पावर बी और टी वन अपॉन टी टू टू पावर सी जब भी आपसे कहा जाए वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कीजिए तो ये वाला इक्वेशन जरूर यूज करना है तो सबसे पहला स्टेप ये वाला इक्वेशन याद रखना है दूसरा स्टेप हमें इस बात पे गौर करना है कि फर्स्ट सिस्टम क्या है और सेकेंड सिस्टम क्या है तो हमसे कहा जा रहा है वन न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो आपको पता है न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स को और डाइन होता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स तो हमें ऐसा SI यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर एन वन का वैल्यू हमारे सामने वन न्यूटन था एम वन हमारा ऐसा SI यूनिट में है ऐसा SI यूनिट में मास होता है के जी और एक के जी में कितने ग्राम थाउजेंड और एम टू में मास ग्राम में होता है ऑब्वियसली वन होगा पर इसको करने से पहले एक चीज हमें कर लेना चाहिए डायरेक्ट मैं करवाऊंगा तो शायद आप ना समझ पाए तो मैं एक स्टेप और यहां करवा देता हूं सबसे पहले क्या किया कीजिए जब ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए तो ए बी सी का वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है हम जानते हैं यहां पे वन न्यूटन को कन्वर्ट करना है डायनमैन वॉट इज न्यूटन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स तो हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा एम एल टी माइनस टू और इससे हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा जो ए का जो एम का पावर होता है वो ए की वैल्यू होती है तो एम का पावर यहां कुछ नहीं है मतलब वन है जो एल का पावर होता है वो बी की वैल्यू है तो एल का पावर कुछ नहीं है मतलब वन है और जो टी का पावर होता है वो सी की वैल्यू होती है तो ऑब्वियसली यहां माइनस टू आ जाएगा तो आपको ए बी सी का वैल्यू पहले मिल गया अब हम इसको फर्दर यहां पे पुट करने की कोशिश करेंगे तो चलिए यहां हम लिखेंगे एन टू इक्वल टू एन वन के जगह पे वन यहां पे वन थाउजेंड वन पावर वन यहां पे वन हंड्रेड वन पावर वन और यहां पे वन अपॉन वन पावर माइनस टू ऐसा क्यों किया समझ लीजिए ऊपर में हमें एम वन लिखना था हम जानते हैं ऐसा यूनिट में मास होता है किलोग्राम तो ऊपर में किलोग्राम होता है और नीचे में ग्राम होता ऊपर नीचे का यूनिट हम डिफरेंट रख नहीं सकते इसलिए दोनों को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया ग्राम में तो थाउजेंड ग्राम अपॉन वन ग्राम फिर ऊपर में यहां मीटर होता वन मीटर में कितने सेंटीमीटर तो हंड्रेड सेंटीमीटर तो मैंने हंड्रेड सेंटीमीटर लिख दिया अपॉन वन सेंटीमीटर और दोनों ही सिस्टम में ऐसा सिस्टम हो या सीजीएस सिस्टम हो दोनों में टाइम सेकंड में ही होता है ओके अब इसके बाद क्या करना है थाउजेंड को आप क्या लिख सकते हो टेन टू दावर थ्री और हंड्रेड को क्या लिख सकते हो टेन टू द पावर टू और यहां पर चूंकि ये वन है वन का पावर कितना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू वन ही आएगी तो टेन टू दावर थ्री इंटू टेन टू द पावर टू क्या हो जाएगा टेन टू दावर फाइव ऑब्वियसली डाइन तो वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन टू द पावर फाइव डाइन आई होप आप समझ गए होंगे हमने इसे कैसे सॉल्व किया सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इस फार्मूला के बाद आपको जिस चीज को कन्वर्ट करना है उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है उस डायमेंशनल फार्मूला से आपको उसके डायमेंशन यानी कि ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी और जैसी वो वैल्यू मिलेगी इस वाले फॉर्मूला में ए बी और सी के जगह पे वो पावर पुट कर देंगे और जो भी वन सिस्टम होगा उसमें उसकी वैल्यू और जो सेकेंड सिस्टम होगा उसमें उसकी वैल्यू डाल करके सॉल्व कर दीजिए आपको आपका आंसर मिल जाएगा अगर इस एग्जाम्पल से पूरी तरह ये कन्वर्जन समझ में नहीं आया तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं और यहां पर हमें कन्वर्ट करना है वन जूल को अर्ग में यहां भी आप जानते हो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है और एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है ठीक है तो अगर इसे सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहां पे एनर्जी की बात हो रही है और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इससे हमें पता चल जाता है ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू टू और सी इक्वल टू माइनस टू हमेशा निकाल लेना है और उसके बाद ये फॉर्मूला पुट कर देना है एन टू इज इक्वल टू एन वन ब्रैकेट में एम वन अपॉन एम टू टू पावर ए एल वन अपॉन एल टू टू पावर बी और टी वन अपॉन टी टू टू पावर सी अब वैल्यू डालते हैं एन वन का वैल्यू क्या ऑब्वियसली हमें वन जूल को कन्वर्ट करना है तो एन वन का वैल्यू हो जाएगा वन एम वन में क्या होना चाहिए उसके ऐसा यूनिट में मास होता है किलोग्राम और वन किलोग्राम में कितने ग्राम थाउजेंड और नीचे वन ग्राम ए की वैल्यू वन है तो पावर में वन लगाएंगे लेंथ हमारा ऐसा यूनिट में मीटर होता, हो होता है और वन मीटर में कितने सेंटीमीटर हंड्रेड एल टू में ऑब्वियसली वन सेंटीमीटर होगा क्योंकि सी जी एस यूनिट है सी जी एस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर होता है मास ग्राम होता है टाइम सेकेंड ही होता है और इसका पावर क्या लगाएंगे तो बी का वैल्यू टू है तो इसका पावर टू लगा देंगे और यहाँ पे वन अपऑन वन और पावर माइनस टू अब अगर सॉल्व करें तो थाउजेंड को हम टेन टू द पावर थ्री लिख सकते हैं इन टू हंड्रेड को हम टेन टू दी पावर टू लिखते हैं पर इसका भी होल पावर टू है यानी कि ये टेन टू दी पावर क्या हो जाएगा फोर इन टू ऑब्वियसली वन का पावर कितना भी लगाओ वन ही होता है तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा आपका टेन टू दावर थ्री इन टू टेन टू दी पावर फोर मिल करके हो जाएंगे टेन टू दी पावर सेवन अर्ग तो वन जूल इज इक्वल टू टेन टू दी पावर सेवन अर्ग आई होप आप लोग ये निकालना सीख रहे हो इसमें कोई खास इश्यूज तो नहीं आ रहा नहीं बहुत ईजी पोर्शन है बस अगर आपको डायमेंशनल फार्मूलाज याद हो तो अगर नहीं याद है तो आपको डायमेंशनल फार्मूलाज याद करना है और फिलहाल क्वेश्चन चूंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अगर डायमेंशनल फार्मूला आपको नहीं आता तो फिलहाल के लिए आप कहीं से डायमेंशनल फार्मूला की लिस्ट निकाल लीजिए उसको देख के सॉल्व कीजिए बट जितनी जल्दी हो सके डायमेंशनल फार्मूला लर्न करके विदाउट किसी हिंट के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एक बार अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला याद हो गया तो आप इजिली कर पाओगे सबसे पहला स्टेप हमारा होता है डायमेंशनल फार्मूला लिखना उससे पावर यानी डायमेंशन की वैल्यू निकालना और फिर ये फॉर्मूला लगा के उसमें पहला सिस्टम और दूसरे सिस्टम की वैल्यू पुट करके पावर को यूज कर लीजिए आपको आपका आंसर मिल जाएगा बस इतना ही सिंपल है ठीक है नाउ अब इसी का क्वेश्चन नंबर थ्री ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है और यहां कहा गया है यंग्स मॉड्यूल ऑफ स्टील इज नाइनटीन इंटू टेन टू दावर टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर डाइन एज सी जी एस यूनिट अब यहां पे जो यंग्स मॉड्यूल दिया गया है हमारे सामने उसे हमें कन्वर्ट करना है किस चीज में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में वैसे तो हम इसे फॉर्मूला से भी कन्वर्ट कर सकते थे बट हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इसे डायरेक्टली कन्वर्ट करें हम अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहें तो ईजी क्योंकि हमने न्यूटन को इस समय कन्वर्ट करके देख लिया है डाइन में वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन टू दावर फाइव डाइन होता है तो डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करेंगे मान लेते हैं यहां पे यंग्स मॉड्यूल के लिए अलग अलग सिंबल होता है इज इक्वल टू नाइनटीन इन टू टेन टू दावर टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपको गिवेन है और हमें इसे कन्वर्ट करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीधा क्या लिखेंगे नाइनटीन इंटू टेन टू दावर टेन इंटू न्यूटन को जैसे ही डाइन में कन्वर्ट कर देंगे हो जाएगा टेन टू पावर फाइव डाइन और ऑब्वियसली अपॉन मीटर स्क्वायर है और मीटर स्क्वायर को जब सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ओवरऑल हो क्या होगा नाइनटीन इंटू टेन टू पावर टेन और फाइव मिला के हो जाएंगे टेन टू पावर फिफ्टीन और अपॉन में क्या है हंड्रेड को हम लिख सकते थे टेन टू पावर टू और उसका स्क्वायर हो जाता है टेन टू दावर फोर इसको जब इस पर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा नाइनटीन इंटू टेन टू द पावर फिफ्टीन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर और इसको जब फर्दर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइनटीन इंटू टेन टू द पावर एलेवन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इजी समझ में आ गया इंटू टेन टू दी पार 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू सीजीएस यूनिट में डाइन में कन्वर्ट करना, करना जानते थे तो उसी से हमने इसे सॉल्व कर दिया आई होप ये भी बहुत टफ नहीं था अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे मैथर्ड पे जब भी आपको डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके न्यू रिलेशन डिराइव करने के लिए कहा जाए तब हम उसको तीसरे मैथड से करते हैं मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें वैसे जो क्वेश्चन एन का है बट मैंने इसे लिया है एग्जाम्पल नंबर फिफ्टी टू एस एल अरोड़ा बुक से अगर आप में से कोई फिजिक्स की बुक पढ़ते हैं तो एस एल अरोड़ा इसमें काफी अच्छी बुक मानी जाती है मैं खुद एस एल अरोड़ा से काफी ज्यादा पढ़ाता हूँ तो मैंने एस एल अरोड़ा का ये क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया है क्वेश्चन है कंसिडर अ सिंपल पैंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट ऑस्किलेट्स अंडर एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सपोज दैट द पीरियड ऑफ oscillation ऑफ द सिंपल pendulum डिपेंड्स ऑन अब इस क्वेश्चन का ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर इसको ठीक से पढ़ लिया तो आप इजिली ये क्वेश्चन कर पाओगे यहां कहा गया है कि पीरियड ऑफ ऑस्क्यूलेशन तो टाइम पीरियड है तो हम मान लेते हैं टी डिपेंड्स ऑन मास एम तो सबसे पहले एम लिखेंगे लेंथ एल तो फिर एल लिखेंगे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी लिखेंगे और हमें इस चीज का फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम एल जी हमें गिवन है जब आप ऐसा क्वेश्चन बना लो तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि पहले वाले पे पावर ए दूसरे वाले पे पावर बी और तीसरे वाले पे पावर सी अगर दो हो तो पावर सिर्फ ए और बी एक हो तो पावर सिर्फ ए जितने यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिखे सब पे एक एक पावर लगा देना है ठीक है तो यहां पे हमने एम टू दावर ए एल टू दावर बी और जी टू दी पावर सी डाल लिया अब इसे फर्दर हमें प्रूफ करना है बट उससे पहले हम इसे इक्वेशन वन मान लेंगे अब क्या करेंगे इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे T तो डायमेंशनली T ही लिखा जाता है m को डायमेंशनली क्या लिख सकते हैं कैपिटल M टू दावर एल को भी लिख सकते हैं कैपिटल L टू पावर B और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन है और एक्सेलेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू इसका पावर होगा सी तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते थे पर अगर हम चाहें तो इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा के सीधा अब यहां पे यूज कर सकते हैं इक्वल टू का सिंबल ठीक है तो अगर हम यहां पे इक्वल टू का सिंबल यूज करें मान लो फिलहाल के लिए ये रहने देते हैं तो एम टू दी पावर ए आप अगर गौर से देखो तो यहां पे है एल टू दी पावर बी और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा एल टू दी पावर सी और टी टू दावर माइनस टू सी यहां पर टी है अब हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट के यूज कर लेते हैं एम टू पावर ए अब एल यहां पे दो है एक पे पावर बी है एक पे पावर सी है तो हम लिख सकते हैं एल टू पावर ए प्लस बी सॉरी ए प्लस सी ए प्लस सी और उसके बाद टी टू पावर है माइनस टू सी ये ओवरऑल हमारा क्या बन गया इक्वेशन अब हमें क्या करना है इस तरफ हमें सिर्फ टी पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा डायमेंशनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा एम नहीं है मतलब उसका पावर जीरो है एल नहीं है मतलब उसका पावर जीरो है टी का पावर तो वन यहां पे है ही अब क्या करेंगे साइड बाय साइड हम क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे और पावर के बेसिस पे उन्हें इक्विवेलेंट लाने की कोशिश करेंगे इस साइड एम का पावर ए है और इस साइड एम का पावर जीरो है मीन ए इक्वल टू जीरो इस साइड एल का पावर ए प्लस सी है और इस साइड एल का पावर जीरो है इसका मतलब ए प्लस सी इक्वल टू जीरो ठीक है और हम ये जानते हैं कि ए का वैल्यू इस केस में जीरो है तो सी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा जीरो बट खैर एल का वैल्यू हमारा ए प्लस सी नहीं होना चाहिए था सॉरी इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा एल का वैल्यू हमारा बी प्लस सी है एल का वैल्यू हमारा बी प्लस क्योंकि एल की वैल्यू यहां पे बी है और यहां सी है तो सिर्फ बी प्लस सी होगा तो एक्चुअली में बी प्लस सी इक्वल टू जीरो तो ऑब्वियसली बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी और यहां फर्दर दिया गया है माइनस टू सी इक्वल टू वन क्योंकि t का वैल्यू यहां माइनस टू है टू सी है और यहां प्लस वन है तो माइनस टू सी इक्वल टू वन तो उस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं c इक्वल टू माइनस वन बाई टू चूंकि सी का वैल्यू माइनस वन बाई टू है और b का वैल्यू माइनस सी है इसका मतलब b का वैल्यू प्लस में वन बाई टू हो जाएगा क्योंकि c की जो भी वैल्यू उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b का वैल्यू और c ऑलरेडी माइनस में और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा प्लस में तो हमें हमारे ए बी सी का वैल्यू मिल गया हमारे ए का वैल्यू है जीरो देयर फोर ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू वन बाई टू और सी इक्वल टू माइनस में वन बाय टू इस क्वेश्चन का मेन काम ही यही है डायमेंशन निकालना एक बार डायमेंशन आ गया ना अब हम आ जाएंगे इक्वेशन नंबर वन में हमारा इक्वेशन नंबर वन क्या था टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एल जी तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम t equal to k m to the power a, l to the power b और the power c ये हमारे इक्वेशन 1 में था तो इक्वल क्या हो जाएगा k को k रहने देते हैं m to the power a है a का वैल्यू 0 है तो हम यहाँ to the power दीरो लिखेंगे l to the power b है और b का वैल्यू 1 by टू है और G to the power c है और इसका वैल्यू minus वन by टू है फर्दर कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए हम लिखेंगे t इक्वल टू के एम का पावर जीरो है तो एम खत्म हो गया हम इसे लिखेंगे एल अपॉन जी टू दी होल पावर वन बाई टू क्योंकि जी का पावर माइनस वन बाई टू था तो नीचे ले गए तो प्लस वन बाई टू हो गया तो होल पावर दे देंगे अब आप जानते हो कि पावर जिसका भी वन बाई टू हो वो रूट में आ जाता है तो रूट अंडर एल अपॉन जी यही टी का फॉर्मूला है टी इक्वल टू के रूट अंडर एल अपॉन जी के का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो है, है है, बट हमें पता होता पाई तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं या डिराइव करते हैं कोई फिजिकल रिलेशन जब हमें क्या गिवेन हो जब हमें गिवेन हो किसी फिजिकल क्वांटिटी के सारे जिन जिनपे वो डिपेंड करता है तो इस केस में हमारे सामने क्या गिवेन था इसने हमसे कहा था कि टाइम पीरियड ऑफ ऑस्क्यलेशन डिपेंड करता है मास पे लेंथ पे और एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे तो हमने टाइम पीरियड को मास पे लेंथ पे और एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा उनके पावर को ए बी सी कर दिया फिर उनको हमने डायमेंशन फॉर्म में कन्वर्ट किया और इससे क्या हुआ हमने ए एम का जो भी पावर था उसको एम से इक्विवेलेंट करके ए की वैल्यू निकाल ली बी प्लस सी से बी और सी की वैल्यू निकाल ली माइनस टू सी से सी की वैल्यू निकाल ली और जैसे ही हमें ए बी और सी का वैल्यू मिला हमने इक्वेशन वन में पुट किया हमें हमारा रिलेशन मिल गया तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी फिजिकल रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं डायमेंशनल मैथर्ड से अब अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि यह वाला आप लोग सॉल्व करो मैं आप लोगों को क्वेश्चन का फंडामेंटल समझा देता हूं प्रैक्टिस आपको खुद ही करना है क्वेश्चन है द वेलोसिटी वी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड ऑन द वेडा तो में आपको लिखना क्या है इक्वेशन मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आप समझ जाओ आपको लिखना पड़ेगा वी आपको लिखना पड़ेगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कह रहा है डिपेंड करता है वेव लेंथ पे डेंसिटी ऑफ वाटर यानी रो पे एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे तो आप ऑब्वियसली यहां पे भी पावर ए बी और सी ले लोगे इसे इक्वेशन वन मानोगे और सबको डायमेंशनली वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे अगर आप ठीक से ट्राई करते हो तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे और अगर आप में से कोई भी ये क्वेश्चन कर पाता है तो मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे और अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप मुझे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछोगे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगला वीडियो स्टार्ट करूंगा ओके okay? तब तक के लिए धन्यवाद